I guess my name is Siddhant and I'm back with another video. Okay, so a big time news is coming from the center that CBSE exams are being cancelled. Now, I will give you a complete detail about the entire scenario exactly hua kya hai. Is baat ko thoda detail mein jaan lete hain. तो हुआ ये है कि भाई सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि एग्ज़ाम्स हम नहीं कंडक्ट करवा सकते, इसलिए हम उसे कैंसिल कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे कुछ स्टेट ने रिक्वेस्ट किया, दिल्ली एक स्टेट है जिसने रिक्वेस्ट किया, महाराष्ट्र ने रिक्वेस्ट किया, सो इस तरह की रिक्वेस्ट आई थी। और इसके बाद फिर डिसीज़न लिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। ओके, सो 10th के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, उनके जो इंटरनल्स हैं उनके बेस पे मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं 12th की, क्योंकि 12th का हिसाब थोड़ा सा अलग है, इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम हाउ 10th इज। 12th के लिए ऑप्शनल रखा गया है फॉर गिविंग द एग्ज़ाम्स। जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना है वो ऑप्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम के लिए, अगर वो खुश नहीं है अपने इंटरनल मार्क्स से तो वो ऑप्ट कर सकते हैं फॉर एग्जामिनेशंस। और एज इफ नाउ जब भी सिचुएशंस नॉर्मल होंगी तब एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। सो दैट्स अ कैच एक्चुअली। मुझे लगता है ऐसा कहने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि कोई भी बच्चा मुझे नहीं लगता ऑप्ट करने भी वाला है, क्योंकि यार कब सिचुएशंस नॉर्मल होंगी, कब आप पेपर दोगे, कब आपका रिजल्ट आएगा, मतलब एक साल कुल मिला के अपना बर्बाद करने वाली बात होगी कई बच्चों के लिए जो उसे ऑप्ट करने वाले हैं। फॉर नाउ रिजल्ट्स के लिए कोई घोषणा नहीं हुई है कब तक आएगा, बट अच्छी खबर यह है कि एटलीस्ट सबको इंटरनल्स के बेस पे मार्क्स दे दिए जाएंगे और मुझे लगता है कुल मिला के सबको ही पास कर दिया जाएगा। ऐसा कोई हार्डली होगा जो फेल होगा इस साल, तो डेफिनेटली ये बात पहले भी कही जा रही थी कि कोई ज़्यादा फेल नहीं होने वाला इस साल, वही चीज़ निकल के आ रही है। रिजल्ट्स इस साल उतने अच्छे नहीं होंगे शायद, बट लोगों को भी पता है कि क्यों नहीं होंगे। वेल गाइस, दिस वाज सिद्धांत, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।